नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। वेलकम बैक टू मिस्टर कास्ट। और आज हमारे पास में एक ऐसी गाड़ी जो कि भाई अपने नाम से ही बिकती है, मतलब ये इतनी ज़्यादा मार्केट में इसकी वैल्यू है कि भाई इसका नाम ही काफ़ी है। और ये है स्कॉर्पियो क्लासिक। स्कॉर्पियो क्लासिक का मतलब कंपनी को भी इसे बंद नहीं करना पड़ा, भले ही इसका नया वर्जन स्कॉर्पियो एन आ गया बिग डैडी, लेकिन दोस्तों स्कॉर्पियो क्लासिक की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि भाई कंपनी वाले भी इसे चाहकर बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कर दिया है कि आपको आसान कर दिया है इसे चूज़ करने के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही मॉडल मिलते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक का अगर आप देखेंगे तो बेस मॉडल आपको मिलेगा एस, और एस 11 आपको मिल जाता है, सबसे टॉप मॉडल आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यानी कि एक सिंपल सा आपको यहाँ पे दे दिया गया है, आप चाहें तो आफ्टर मार्केट बेस मॉडल लेके आफ्टर मार्केट काम करवा सकते हैं, या फिर सबसे टॉप मॉडल कंपनी से ही ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्कॉर्पियो क्लासिक जो है मतलब नाम से तो जानी जाती, प्लस में इसका जो दम है वो अलग ही लेवल का है और काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी आ जाती है। तो आज हमारे पास में सबसे बेस मॉडल है, अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस मॉडल लेने का प्लान करने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं, तो भाई आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज आज मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगा, दिखाऊँगा आपको एग्जैक्टली कि बेस मॉडल में आपको क्या कुछ मिल जाएगा स्कॉर्पियो क्लासिक के। तो भाई बिना किस तरीके चलिए चलते हैं अपने इस स्कॉर्पियो क्लासिक के वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों अगर बात कीजिए इस गाड़ी के बारे में, तो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक नो डाउट काफ़ी बेहतर गाड़ी हो जाती है। ब्लैक कलर में तो मतलब क्लासिक के एक अलग ही लेवल की लगती है, और ब्लैक कलर लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। कहीं ना कहीं ये गाड़ी ये नेतानगरी, ये माफिया, या मतलब एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के लिए यूज़ की जाती है। नॉर्मल पर्सन तो कम ही लेते हैं, लेकिन मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब किसी को अगर दबंगई या फिर कह सकते हैं कि एक अलग अपना जलवा दिखाना है, तो फिर वो स्कॉर्पियो क्लासिक या फिर स्कॉर्पियो एन को ले सकते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक ये थोड़ा सा कम बजट में आ जाती है, लेकिन प्राइस अगर आप देखेंगे तो बेस मॉडल में अगर बात की जाए स्कॉर्पियो क्लासिक हो या फिर स्कॉर्पियो एन हो, तो दोनों के प्राइस आपको तकरीबन आपको सेम देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि 13,59,000 में आपका ये बेस मॉडल पड़ता है, वहीं पे 13,60,000 का सिर्फ 1,000 रुपये का डिफरेंस है स्कॉर्पियो एन का बेस मॉडल आपको मिल जाता है। सबसे पहले अगर आप इसका फ्रंट का लुक देखेंगे, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं महिंद्रा का लोगो आपको मिलेगा, फ्रंट में ग्रिल मिल जाती है। ग्रिल स्कॉर्पियो और क्लासिक के दोनों की बेहतर आपको मिलेगी, सेम आपको मिलेगी। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में दोनों का कंपेरिजन भी आपको करके दिखा दूंगा। बाकी हैलोजन बेस हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं और काफ़ी प्रीमियम सा लुक आपको मिल जाता है। अगर आप इसका देखेंगे जो हुड है मतलब काफ़ी बेहतर आपको लगेगा, तो ये एक अलग लुक आपको दे देता है, काफ़ी बेहतरीन सा आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक सिर्फ और सिर्फ आपके पास में डीजल में ही अवेलेबल होती है। फ्रंट का लुक काफ़ी दमदार सा आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें बात कीजिए दोस्तों अगर इंजन के बारे में, तो इंजन इसमें काफ़ी बेहतर, बहुत ही रिफाइंड इंजन आपको मिलता है। इसमें आपको एम हॉक का इंजन मिलेगा 2184 cc का। ये प्रोड्यूस करेगा 113 bhp पावर एंड 300 Nm टॉर्क। फोर सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है, रियर व्हील ड्राइव मिलती है, 60 L फ्यूल टैंक सब्सिडी के साथ में आ जाती है। सो काफ़ी बेहतर सा आपको डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर बात कीजिए इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, तो भाई साइड प्रोफाइल इसका काफ़ी बेहतर आपको मिलेगा, एक दमदार सी और बेहतरीन गाड़ी हम लोग कह सकते हैं। एग्जैक्टली अगर बात की जाए टायर प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे जो टायर प्रोफाइल है दैट इज़ 235/65 R17 का टायर साइज आपको मिल जाता है, और 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा। कंपेयर टू स्कॉर्पियो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक का ज़्यादा आपको मिलता है। यहाँ पे फुट स्टेप आपको लगवाना पड़ेगा, आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं या फिर कंपनी से भी आप इसे लगवा पाएंगे। बॉडी कलर्ड ओवर में आपको मिल जाता है, थोड़ा सा प्रीमियम बॉडी कलर एक्चुअल में कहेंगे तो ये थोड़ा सा मतलब ब्लैक है, और ये यहाँ पे जो हमारे पास में बॉडी कलर है उसके साथ में आ जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगे। नॉर्मल ब्लैक कलर आपको नहीं मिलेगा, सो ये काफ़ी प्रीमियम फील कराएगा। फेंडर में आपके पास में इंडिकेटर आ जाता है, साथ में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डोर हैंडल आपको अवेलेबल हो जाता है। एंड अगर आप साइड प्रोफाइल में देखेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन जो इसका साइड प्रोफाइल है वो मिलेगा। थर्ड वाली जो इसको विंडो है, तो आप इसे अंदर से ओपन भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा बाहर भी निकाल सकते हैं। सपोज़ अगर पीछे बैठे लोगों को थोड़ा सा सफोकेशन या प्रॉब्लम हो रही है, तो पीछे से ओपन करके एयर भी आराम से ले सकते हैं, तो एक बेहतर चीज़ आपके पास में मिल जाती है। 60 L फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आते ही ओनली डीजल मिलेगा, पेट्रोल में आपको नहीं मिलेगा। बड़ी सी टेल लैंप है, स्कॉर्पियो क्लासिक एस मॉडल हमारे पास में खड़ा हुआ दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन आपको मिलेगा। एंड अगर बात की जाए इसके रेयर प्रोफाइल के बारे में, तो रेयर प्रोफाइल इसका काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा का लोगो है, हैंडल वगैरह भी आपको मिलेगा, दो पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं,
बाकी फुट स्टेप आपको रियर साइड में मिलेगा, यहाँ पे टो करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाता है, पार्किंग लाइट आपको मिलेगी। एंड जब आप डोर ओपन करोगे तो भाई ये है स्कॉर्पियो क्लासिक का जलवा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो रियर की सीट है वो फोल्ड हो जाती हैं, सो कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा स्पेस, मतलब भर भर के मिलेगा स्पेस आपको इसमें, काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। यहाँ पे जो आप चढ़ेंगे तो फिर आपको देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। एंड अगर आप बैठना चाहते हो, आप सपोज़ 5 लोगों से ज़्यादा हो गए गाड़ी में, तो फिर आप क्या कर सकते हैं अपने, या फिर एक सीट को फोल्ड कर सकते हैं। अगर 6 लोग हो गए तो एक सीट फोल्ड कर लीजिए, 7 लोग हो गए तो दोनों सीट फोल्ड कर लीजिए, फिर भी थोड़ा सा स्पेस बचेगा, सो एक बेहतर चीज़ हो जाती है। और इसको आप यहाँ से आराम से कर पाएंगे, सो काफ़ी बेहतर अच्छा खासा यहाँ पे जो स्पेस है वो आपको दिया जाता है। और इंटीरियर काफ़ी पसंद आएगा। यहाँ पे चढ़ने के लिए आपको एक ग्रैब हैंडल आपको मिलेगा, आप इसको पकड़ के कुछ इस तरीके से अंदर जा सकते हैं, सो काफ़ी अच्छा सा आपको यहाँ पे मिलेगा। अंदर से बंद करने के लिए ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ से ओपन करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाता है, सो काफ़ी बेहतरीन से सारी चीज़ें रखी जाती हैं। सो ये है स्कॉर्पियो क्लासिक का सबसे बेस मॉडल है, कुछ इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एक्सटीरियर में। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देख लेते हैं कि भाई इंटीरियर में हमें क्या कुछ मिल जाता है अपने स्कॉर्पियो क्लासिक में। सो दोस्तों, इंटीरियर में चलने से पहले अगर आप इसे साइड में क्लैडिंग देखेंगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्कॉर्पियो की बैजिंग आपको मिली है, क्लैडिंग लगा हुआ है, तो ये एक अच्छा फील कराएगा आपको डोर पे, बड़ा ही अच्छा लगेगा। इंटीरियर में अगर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैंडल मिलेगा ओपन करने के लिए, ये पे मिल जाता है हैंडल, ब्लैक कलर का हैंडल ये मिलेगा। ये थोड़ा सा छोटा यार, इसे और बड़ा किया जा सकता था। बाकी जॉयस्टिक आपको मिल जाती है ओआरएम सेट करने के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपके पास में, आप अपने अकॉर्डिंगली सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बाकी इसकी जो सीट है, काफ़ी ज़बरदस्त सीट आपको मिलेगी जब आप एंटर करोगे तो भाई यहाँ पे बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको जब आप गाड़ी में बैठते हो। और हॉर्न इसका काफ़ी दमदार आपको मिल जाता है। और ये है इसका की फॉग, की फॉग एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सो आपको पता चले भाई ये है आपकी की मिल जाती है इसमें। और देख सकते हैं यहाँ पे लॉक ऑन का बटन आपको नहीं मिलेगा, बट फ्लिप की आपको मिलती है। महिंद्रा का ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई भले ही बेस मॉडल में आपको सेंट्रल लॉक ना दे, लेकिन फ्लिप की आपको ज़रूर देंगे, कहीं ना कहीं इमोशन को समझती है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगेगा। स्टार्ट स्टॉप का आपको यहाँ पे इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन आपको मिलेगा, यहाँ से आप अपना जो फ्यूल लिड है वो ओपन कर सकते हैं। हेडलैम्प एडजस्टमेंट आपको मिलेगा, एंड स्टेयरिंग आप इसे टिल्ट वे में एडजस्टमेंट कर पाएंगे, सो आप देख सकते हैं टिल्ट वे में आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक आप इसे नहीं कर सक पाएंगे। बाकी ये है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेफ्ट साइड आपका आरपीएम है, राइट साइड आपका स्पीडोमीटर है, बीच में आपका फ्यूल गेज वगैरह दिखाएगा, एंड कितने किलोमीटर ओडोमीटर वगैरह है वो आपको सारी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे लेफ्ट साइड आप वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। कुछ स्टीयरिंग की बात की जाए तो बड़ा सा हॉर्न आपको मिलेगा, और ये है आपका लाइट्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। बीच में अगर आप दोस्तों देखेंगे तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा ही खाली खाली से सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। बाकी कुछ एसी के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, हज़ार स्लाइड का ऑप्शन आपको मिलेगा, 12 वोल्ट का एक्सेसरी होल्डर चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है, 6 गियर मैनुअल स्पीड के साथ में गाड़ी आ जाती है। एसी के विंडो आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा स्पेस टैम्पल वगैरह के लिए है, और काफ़ी अच्छा लगेगा। बीच में होड जो है एक्चुअल में वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, तो बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे प्रॉपरली अगर आप मतलब बेस मॉडल में ले रहे हैं। और अगर आप हाइट एडजस्टमेंट नहीं है सीटिंग पे ड्राइवर सीट पे, तो भी आपको जो जो आपका बोनट है वो आपका विजिबल होगा। अगर आपकी हाइट 5'5" भी है, तो मेरी हाइट वैसे 5'8" है, और मेरे को ईजिली आराम से विजिबल हो रही है सारी चीज़ें। बाकी दोस्तों दो सनवाइज़र हैं, लेफ्ट साइड आपका वैंटी मिरर आपको मिलेगा, राइट साइड आपको नॉर्मल आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी ये है आपका रीडिंग लैंप। और इसके जो बात की जाए पावर विंडो के बारे में, तो पावर विंडो यहाँ पे डोर पे नहीं दिए जाते, यहाँ पे दिए जाते हैं, यहाँ पे फ़ोन वगैरह आप रख सकते हैं। अच्छा लगा मेरे को, यहाँ पे चारों पावर विंडो है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, ये आपका हैंड ब्रेक है, और काफ़ी बेहतरीन सा आपको इंटीरियर आपको मिलेगा। स्कॉर्पियो का बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है, थोड़ा सा ये क्रोम में दिया गया है, क्रोम वर्क के साथ में बड़ा अच्छा लग रहा है। और बाकी दो एयरबैग्स आपको मिलते हैं, ये आपका देख सकते हैं ग्लव बॉक्स है, काफ़ी डिसेंट क्वालिटी के साथ में इसका जो ग्लव बॉक्स है वो आपको मिल जाता है। सो स्कॉर्पियो क्लासिक का जो जलवा है, मतलब अभी तक काफ़ी बरकरार रहा है और आगे भी रहेगा। कारण क्या है कि मतलब इसकी जो कस्टमर है, मतलब वो एक अलग ही लेवल के हैं, उन्हें एक अलग ही गाड़ी चाहिए। ये कहने की उन सारी चीज़ों को ये गाड़ी फुलफ़िल कर देती है बहुत आराम से। सो ये काफ़ी बेहतर आपको लगेगा स्कॉर्पियो क्लासिक में। अगर आप इसका रियर साइड दोस्तों देखेंगे तो रियर साइड भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा,
जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं तीन लोग बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही आराम से अच्छे से बैठ सकते हैं, उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंटीरियर पे तो ये हैंडल दिया गया है, इसे थोड़ा सा अपग्रेड किया जा सकता है। खैर वैसे ठीक है, फिलहाल ये हैंडल से ही काम चलाते हैं जो आप गाड़ी में चढ़ेंगे। थोड़ी सी ऊँची गाड़ी है और एक लग्जरी वाला जो फील है एक्चुअल में वो नहीं मिल पाता है। बाकी जो गाड़ी, जो ऊंची गाड़ी और जो कह सकते हैं जो एक अलग ही लेवल का, मतलब कि जो चीज़ें हैं कि आपको मतलब कहीं दिखाना है, कहीं एक अलग ही जलवा भी खेल रहा है, तो उसके लिए काफ़ी बेहतर हो जाती है। सो तभी कहीं ना कहीं शायद ही गाड़ी इतना ज़्यादा पसंद की जाती है लोगों में। बाकी रेयर में आपको इसी के इवेंट्स आपको मिल जाते हैं बेस मॉडल में ही, सो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। फैमिली आपकी बहुत अच्छे से आराम से यहाँ पे इंजॉय करते हुए जाएंगी, उनको एसी वगैरह बहुत अच्छे से मिलेगा। अच्छा एक चीज़ दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसका कैप्टन सीट वाला वर्जन भी ले सकते हैं, तो वो एक बेहतर चीज़ आपके पास में हो, ऑप्शन है। सो पीछे जाने के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, मतलब अंदर से ही आप सबसे पीछे जा सकते हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ आपके पास में मिल जाती है। दो हेडरेस्ट आपको मिलेंगे जो कि एडजस्टेबल आपके पास में है। बाकी थ्री सीट बेल्ट आपको मिलेंगे, प्लेन सीट है। सो तीन लोग भी अगर बैठेंगे तो बहुत ही कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं। रेयर में एक चीज़ बहुत पसंद आई मेरे को, वो है कि रेयर में हम्प आपको ना के बराबर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हम्प आपको मतलब ना के बराबर है, सो कंफर्टेबली आप आराम से बैठ सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं सबसे इस रेयर साइड में, एक बार मैं आपको रेयर में बैठ के भी दिखा देता हूँ कि भाई कितना कम्फर्ट आपको मिलता है। सो रियर साइड में आपको चढ़ने के लिए ना सबसे पहले इस हैंडल का यूज़ करना पड़ेगा, एंड तो आप अच्छे से चढ़ पाएंगे। और अभी मैं आ गया हूँ उसके सबसे पीछे साइड में, तो भाई सीटिंग जो मतलब कंफर्ट है काफ़ी बेहतर मिलता है। वैसे जो जो साइड में रहती हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा लेग स्पेस में दिक्कत है, बट अगर यहाँ पे आकर देखेंगे तो बहुत ही आराम से आप बैठ सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से। अगर आप दोनों ही सीट को फोल्ड कर लेते हैं तो कुछ इतना ही स्पेस आपके पास से मैनेज हो सक पाता है, सो काफ़ी बेहतर से बैठ सकते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी बेहतर लगी कि कई बार क्या होता है गांव देहात में पीछे बैठने वाले बंदों को थोड़ा सफोकेशन होने लगता है, तो यहाँ पे गाड़ी में ऐसे भी नहीं चल रहा है, तो फिर उस केस में आप ये कर सकते हैं जो थर्ड रो की जो सीट, जो आपका पीछे का जो विंडो है, आप उसे इस तरीके से फोल्ड करके मतलब ओपन भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा, एक बार बाहर से दिखा दीजिए। सो मतलब मज़ा आएगा आपको बैठने में, आराम से कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं और बाहर का जो एयर है आप उसे भी ले पाएंगे। सो ये चीज़ आपको काफ़ी पसंद आएगी और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। रियर साइड में रीडिंग लैंप आपको मिलेगा। बाकी चार्जिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो रियर में ऐसा कोई चार्जिंग पॉइंट तो मेरे को नहीं दिखा है, और बाकी ठीक ठाक आप बैठ सकते हैं। अगर आप दोनों सीट को फोल्ड कर देंगे तो सामान भी आप अच्छा खासा रख सकते हैं। आप बात कर लेते हैं गाड़ी में मिलने वाले सेफ्टी चीज़ है। दोस्तों अगर बात कीजिए स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में, तो इसमें आपको दो एयर बैग्स मिलेगा, ABS विद एवडी वगैरह मिल जाता है। एंड फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो जो इसका स्टेयरिंग है ये आपका हाइड्रोलिक वे में आपको मिल जाता है। बाकी इंजन काफ़ी पावरफुल है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ प्राइस के बारे में, 13,59,000 रुपये के एक्स्ट्रा प्राइस में यह मिल जाती है। ऑन रोड तकरीबन आपको ये 16 लाख के आसपास में आपको गाड़ी पड़ जाएगी। सो काफ़ी बेहतरीन आपको मिल जाती है और काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर स्कॉर्पियो क्लासिक वीडियो पसंद है प्लीज़ लोग सब्सक्राइब कीजिए, बाकी हम लोग इसका कंपेरिजन वीडियो ज़रूर लेके आएंगे बहुत सारे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट साथ में, थैंक यू सो मच गाइस।